स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज का रेसिपी है बच्चों का मनपसंद वाली रेसिपी, बना रहे आज चटपटी वाला पास्ता, सिंपल पास्ता। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है ये रेसिपी। पहले मैं कढ़ाई में पानी डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने तेल डाल दिया और पानी जैसे थोड़ा सा गर्म होकर आया हो तब मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद मैंने 2 कटोरी पास्ता डाल दिया। उसके बाद ढक्कन ढक के 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया। पूरी बॉईल नहीं होना चाहिए, 90% होना चाहिए, 10% नहीं। ये देखिए पास्ता बिल्कुल बॉईल हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। सारे पास्ते को दूसरे बर्तन में निकाल लिया और ठंडे पानी इसको ऊपर डाल दिया। ठंडे पानी से डालने से जो इसका कुकिंग का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और पास्ता जैसा बॉईल हुआ है उसी तरह रह जाएगा और एक एक खिले खिले रहेगा, इसलिए ठंडा पानी डालना ज़रूरी होता है। कढ़ाई को धो के गैस पे रख दिया। आप इसमें डाल दिया सरसों का तेल और साबुत जीरा। आप डालते हैं कटा हुआ प्याज, प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद डालते हैं 2 हरी मिर्च कटी हुई। इसके बाद डालते हैं टमाटर कटा हुआ, इसे भी थोड़ा सा सोटे कर लेते हैं। अब इसे सोटे करने के बाद इसमें डालते हैं नमक, हल्दी, फिर डालते हैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ों को अच्छे से भुना लेते हैं। मिलाने के बाद ये बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ। अब पानी से अच्छा टमाटर गल जाए भी जाएगा और ग्रेवी बन जाएगा। ये देखिए सारे चीज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मिला लेते हैं टमाटो केचप और पास्ता मसाला। बस यही 2 चीज़ डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप मेरा वीडियो कौन सी गांव या शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसमें मिला लेते हैं बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता को ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जैसे पास्ता मिक्स हो जाए इसमें कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देना है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कटा हुआ धनिया पत्ता को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ये देखिए बिल्कुल पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। मैं अब दूसरा बर्तन में निकाल के दिखा रही हूँ। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब करते हैं इंजॉय।